आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राठौड़ साहब, चूरू के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई देवेंद्र जी, झुंझुनू के उम्मीदवार भाई शुभकर्ण जी, मंच पर उपस्थित सीआर साहब, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और माताओं बहनों, मैं अभी मंच पर बैठे बैठे देखने लाग रहे हो कई लोग छूट मिलके जब कुर्सी उठा के कुर्सी समेत ही आगे आ गया। मैंने थारी आधा देख के लागे कि जय विधानसभा लोकसभा में या छूट मिल जा तो थे कुर्सी समेत बिना चुनाव के ही पूछ जाओ। मैं यह भी देखने लाग रहा हूं कि कई कुंवारा लोग ज्यादा ही राजी हो रहे हैं। देवेंद्र नु थाने उम्मीद दिखा है कि देवेंद्र जीत जागो थारो कांटो काट देगो। मैं यह भी देखने लाग रहा हूं कि कैमरो घूमे और थे मुंडो काटन लाग जाओ। ओ मुंडो क्यों काटो? क्या घर वाली देख के राजी हो जाएगा? आज तो बड़ी अच्छी नेतागिरी ताबाई फोटो आ गई, आज तो टीवी गवा। तो ओ जको थारा उत्साह और जकी खुशी है या मोदी जी के आने के बाद दुगुनी होनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी? देखो चूरू की धरती, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो ब्रज प्रदेश के हो और जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई वो धरती तो आनंद की है, तो एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, देखें जोरदार। पण चूरू की धरती आ करड़ी धरती है, इसी आंधी कटई कौन चल, इतनी जीवन की विकटता दुनिया में कटई कोनी के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़े, खेती के लिए संघर्ष करना पड़े, रोजी और रोटी के लिए संघर्ष करना पड़े। चूरू जिले को किसान, चूरू जिले का नौजवान पूरे देश और दुनिया मशहूर है। क्यों? कि इतनी प्रतिकूलता के मां कोई खेती ने जिंदा रख सके तो वो चूरू जिले को किसान है, जो समस्या की छाती पर पैर रख के और धरती ने अन्नपूर्णा बनावे। चूरू जिले की एक दूसरी खूबी भी है, आज तक इतिहास गवाह है, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और सामंता के खिलाफ कोई धरती सबसे ज्यादा संघर्ष करो तो चूरू का किसाना और नौजवाना करो। और आज भी गवाही है, बात को इतिहास है कि वाजपेयी साहब के समय में जब पाकिस्तान कारगिल के जरिए हमलों करो तो मैं कारगिल के लड़ाई में अनूठो युद्ध हो, दुश्मन चोटी पर हो और भारत का जांबाज सैनिक नीचे हा, वह सैनिक राजस्थान की धरती का हा, वह शेखावाटी की धरती का हा, वह चूरू की धरती का हा। मने सौभाग्य है मैं किसी तहसील में जन्म लियो, कारगिल के युद्ध इतिहास में सबसे ज्यादा शहादत देनिया लोग हा तो राजगढ़ तहसील और चूरू जिले का नौजवान है। मैंने बा नौजवाना की अंत्येष्टि में जाने को मौको मिलो, दुख भी हो लेकिन आप लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। एक भी जवान की पीठ पर गोली नहीं ही, किसान के जाए सब नौजवानों के छाती पर गोलियां ही, लेकिन भारत मां के दूध की लाज रखने को काम आपकी शहादत देके करो। माताओं बहनों, नौजवान भाइयों, चूरू में पिछले दिनों सुन रहा हूं मुद्दा ही दूसरा है। मोदी जी देश बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी किसाना की दशा बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी महिलावान ताकत बनाने की बात कर रहे हैं,
लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार मैं सौभाग्य तो को नहीं कहूं लेकिन दुर्भाग्य हूं, मेरे को नाम राहुल है। कांग्रेस में एक राहुल ही बोलो हो, कांग्रेस ने डबोन ने एक राहुल ही बोलो हो, और थे समझो लोग क्या एक और एक ग्यारह हुए, एक और एक ग्यारह तो बीजेपी में हुए, कांग्रेस में तो एक के साथ एक फ्री हुए। अब उधार में आयो फ्री का महारो वो न तो किसाना की बात करेगो, न सड़का की करेगो, न फसला बीमा योजना की करेगो, न उज्ज्वला की करेगो, न आयुष्मान की करेगो, न आवास की करेगो, न जनधन की करेगो, न कोरोना की करेगो। मैं राजस्थान में हिंदुस्तान में कई जगह घूमू, मैं पहले चुनाव देखे है, कोई आदमी को मुद्दो आई है आई कौन कह रहे हो कि मैं के कर रहे हो मोदी जी मेरे के कराए और मैं के करूंगा, वो कह रहे हो मेरी तो टिकट कट गई। अरे तो भाई टिकट कट गई तो वो रिकॉर्ड तुम्हारे नाम से हूं ज्यादा है, मारे कने से हूं ज्यादा है टिकट कटने को रिकॉर्ड, और टिकट कटाई जब मैं पार्टी बदलता मे लोग तो फिर मेरा मंच पर थोड़ी होता। काल ताई तो भाषण दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी मां है, कमल को फूल चुनाव चिन्ह है और भारतीय जनता पार्टी को दुरंगो मारो साथी है। 33 साल तक जकी भारतीय जनता पार्टी मोटियार ने घराड़ी ने टाबर ने सगड़ान टिकट दे दे के दबा दियो, एमएलए की दे दी, सांसद की दे दी, प्रधान की दे दी, प्रमुख की दे दी, अब के बीजेपी की जान लियो का के भाई टिकट ही तो कटी है। लेकिन आ भीड़ से ज्यादा राजी होती कि राहुल कसवा बड़ो मन राख के उदारता के साथ है मंच पर, एक ओलंपियन गरीब किसान के घर में जायो, एक दिव्यांग भाई देवेंद्र के बगल में खड़े होके वोट की अपील कर दो तो मने लागे के ए जन्म में जन्म सुधारने का गैलड़ा पाप सुधारने का मौको मिल जातो। कई जिक्र करें मोदी जी के करो, मैं पूछूं कांग्रेस के करो, अरे भाई राहुल गलत मौके पर गलत पार्टी पकड़ ली, बाइयां पकड़ ली। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री जी पधार गए हैं, और दूसरी खुशखबरी एक और है क्या प्रधानमंत्री जी आ गया और संचालक मेरे कुड़ तो नहीं खींचा तो मैं थारी जल्दी गैल छोड़ दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों निवेदन करना चाहूं प्रधानमंत्री जी आ गया, भाई देवेंद्र को और शुभकर्ण को, शुभकर्ण जी को भाषण भेगो, मैं तो आप लोगों ने इतना ही कहना चाह रहा हूं ऐ देश में जका राम की आस्था के प्रतीक को महिमा मंडन कर सके, जगह 370 टागे तिरंगे और शहादत को मान कर सके, जो मात्र शक्ति वंदन के जरिए भारत की माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन कर सके, जो सुकन्या ने समृद्ध कर सके, जो दिव्यांगा ने मजबूत कर सके, जो खिलाड़िया ने ताकत दे सके, जो भारत की सेना ने मजबूती दे सके, मने लगे हर घर तक जो को टूटी पहुंचा सके, गरीबान मकान दे सके, राजस्थान में विकास की जकी बयार बही है, डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी और मोदी जी के नेतृत्व में चूरू जिला और राजस्थान में बदलाव की तकड़ी लहर वहगी। मैं इतना ही निवेदन आप लोगों ने करना चाहूं ए भाई देवेंद्र हर तरीके से खूबी है, जको ओलंपिक में मान कर सके, तिरंगा को मान कर सके, हिंदुस्तान को मान कर सके, पूरी उम्मीद है कि चूरू जिले को मान भी पूरी मजबूती से करेगा। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि भाई देवेंद्र और शुभकर्ण जी के लिए जोरदार तालियां सांगो, अभिनंदन करो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।